धर्म, मानवता और समाज के उत्थान के लिए समय समय पर देव मनीषियों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिनके आविर्भाव से जनजीवन को नई चेतना, नया मार्ग, नई रोशनी और नई दिशा मिलती रही है। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा का प्राकट्य मानव रूप में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को 15 अप्रैल 1469 के दिन हुआ। ज्योति स्वरूप में प्रकट हुई ये दिव्य आत्मा गुरु नानक देव जी के नाम से जानी गई। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी पंजाब में एक किसान के घर हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया, जो अब ननकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक देव का बचपन गांव में ही बीता। बाल्यावस्था से ही उनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनके साथी जब खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते, तब वो नेत्र बंद कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते। स्कूल में भी वो अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाया करते थे। एक दिन अध्यापक ने उनसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायिनी प्रतीत होती है। मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक, गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखो कि उस परमात्मा का ना तो अंत है और ना सीमा है। एक बालक की वाणी से यह सुनकर अध्यापक समझ गए कि उनकी प्रतिभा अलौकिक है। इसके बाद उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। गुरु नानक ने स्कूल छोड़ दिया। वो अपना अधिकांश समय चिंतन, मनन, ध्यान, सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक ने विभिन्न संप्रदायों के साधु महात्माओं का सत्संग किया। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। 9 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के अवसर पर उन्होंने पंडित से कहा, वो ऐसा जनेऊ मेरे गले में पहनाए जिसमें दया का पास हो, संतोष सूत हो, संयम गांठ हो और सत्य उस जनेऊ की पूरन हो। यही जीव के लिए आध्यात्मिक जनेऊ है। ये जनेऊ ना तो टूटता है, ना इसमें मैल लगता है, ना ये जलता है और ना ही ये खोता है। गुरु नानक का विवाह 1485 में हुआ। उनकी पत्नी का नाम सुलक्खनी था। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक के पिता उन्हें कृषि व्यापार में लगाना चाहते थे, किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। घोड़े के व्यापार के लिए दिए हुए रुपयों को गुरु नानक ने साधु सेवा में लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि यही सच्चा व्यापार है। 1504 में उनके बहनोई जयराम ने गुरु नानक को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वो सुल्तानपुर में ही रहे। अपने बहनोई जयराम के प्रयास से वो सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। उन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा किया। वहाँ की जनता और वहाँ के शासक दौलत खां नानक के काम से बहुत संतुष्ट हुए। वो अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों और साधुओं को दे दिया करते थे। कभी कभी वो पूरी रात परमात्मा के भजन में व्यतीत कर देते थे। तलवंडी से आकर मर्दाना यही गुरु नानक के सेवक बने और अंत तक उनके साथ रहे। गुरु नानक देव अपने पद गाते थे और मर्दाना रवाब बजाते थे। गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन वो स्नान करने के बाद वन में अंतर ध्यान हो गए। उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें आनंदित किया है, जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वो भी आनंदित होंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो, दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के बाद वो अपने परिवार का भार अपने श्वसुर मूला को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। मर्दाना उनकी यात्रा में बराबर उनके साथ रहे। गुरु नानक की पहली उदासी अर्थात विचरण यात्रा अक्टूबर 1507 से 1515 तक रही। इस यात्रा में उन्होंने हरिद्वार से लाहौर तक अनेक स्थानों में भ्रमण किया। उन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, वेश्याओं का अंतःकरण शुद्ध कर नाम का दान दिया, कर्मकांडियों को वाह्य आडंबरों से निकालकर रागात्मक भक्ति में लगाया, अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। यात्रा से लौटकर वो 2 वर्ष तक अपने माता पिता के साथ रहे। उनकी दूसरी उदासी 1517 से 1518 तक यानी 1 वर्ष की रही। इसमें उन्होंने अहमदाबाद, सियालकोट, सुमेर पर्वत
जैसी जगहों की यात्रा की और अंत में वो करतारपुर पहुँचे। तीसरी उदासी 1518 से 1521 तक लगभग 3 साल की रही। इसमें उन्होंने रियासत बहावलपुर, साधुबेला यानी सिंधु, मक्का, मदीना, बगदाद, काबुल, कंधार जैसी जगहों की यात्रा की। अपनी यात्राओं को समाप्त कर वो करतारपुर में बस गए और 1521 से 1539 तक वहीं रहे। सिख संप्रदाय के आदि गुरु नानक देव भक्ति भाव से पूर्ण होकर जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनकी रचनाएं महला एक के नाम से संकलित हैं। गुरु नानक की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक अनंत, सर्वशक्तिमान, सत्य, कर्ता, निर्भय, निर्वर, अयोनी, स्वयंभू है। वो सर्वत्र व्याप्त हैं। बाह्य साधनों से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। आंतरिक साधना ही उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भगवान अजन्मा, निराकार, मायातीत, अटल, सिद्ध स्वरूप, अनादि और अनंत हैं। थापिया न जाई, कीता न होई, आपे आपी निरंजन सोई। वो कहते हैं कि प्रभु के गुणों का गीत गाने सुनने और मन में भाव रखने से समस्त दुखों का नाश और अनन्य सुखों का भंडार प्राप्त होता है। गुरा एक देही बुझाई, सबना जिया एक उदाता, सो मैं बिसरी न जाई। तीर्थ स्नान के बारे में उनका कहना है कि प्रभु तभी खुश होंगे जब वो उन्हें स्वीकार हो। बिना ईश्वर की मान्यता के तीर्थ स्थान कोई मायने नहीं रखता। तीरथ नावा जेत सुभावा, विणु भाड़े की नाई करी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरुवाणी ही शब्द और वेद है। प्रभु उन्हीं शब्दों और विचारों में निवास करते हैं। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और पार्वती माता है। सभी देवताओं का मिलन गुरु के वचनों में ही प्राप्त है। गुरुमुखी नादम, गुरुमुखी वेदम, गुरुमुखी रहिया समाई, गुरु ईसुरु, गुरु गोरख बरमा, गुरु पार्वती माई। ईश्वर की ज्योति को जान लेने पर भी उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो कथन से परे मात्र हृदय में अनुभव जन्य है। जे हउ जाना आखा नाही, कहना कथन न चाही। कर्म की प्रधानता के बारे में गुरु नानक देव कहते हैं, संसार में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, तब प्रभु की प्राप्ति बिना कर्म के कैसे संभव है। जेती सिरठी उपाई वेखा, विणु कर्मा की मिले लई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा कोई कागज और कलम नहीं बनी है और कोई ऐसा लिखने वाला भी नहीं है जो प्रभु के नाम की महत्ता का वर्णन कर सके। कागदी कलम न लिखण हारू, मने काबही करनी विचारू। प्रभु नाम की महिमा केवल उसे मनन सुमिरन करने वाला ही जान सकता है, अन्य कोई नहीं। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मनी जाने मनी कोई। वो कहते हैं कि नाम सुमिरन करने से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है और तब उस व्यक्ति को संसार के समस्त लोगों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मने सुरति होवे मनी बुद्धि, मने सगल भवन की सुधि। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु नाम की दीक्षा लेता है, वो दूसरे लोगों के द्वारा चलाए गए पंथों में भ्रमित नहीं होता। वो कोई अन्य रास्ता नहीं अपनाता और सर्वदा सच्चे धर्म पर अडिग रहता है। मने मगु ना चले पंथ, मने धर्म से तिसन बंधु। नाम जपो, किरत करो, वंड छको का संदेश देकर एक नए युग की शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव जी ने समाज को नई सोच और दिशा दी। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की बुराई को खत्म करने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए लंगर की शुरुआत की। गुरु नानक के व्यक्तित्व में जग जड़ जीवन, अध्यात्म और परमात्म के सभी गुण मौजूद थे। रूढ़ियों के कट्टर विरोधी गुरु नानक आंतरिक साधना को ही सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते थे। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उन्होंने कहा है, इस दमदा मैनु कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, ये संसार रहन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद बरसे, निस दिन राम चरण चित लाया। वो कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने,
नहीं निंदा, नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही, न तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जय नर पर कीन्ही, तिन यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक देव ने वर्ष 1539 में गुरु गद्दी का भार अपने शिष्य भाई लहना को सौंप दिया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। सभी दिशाओं को अपनी प्रकाश ऊर्जा से आलोकित कर 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव करतारपुर में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। गुरु नानक देव ने लोगों की भलाई के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। समाज में व्याप्त बुराइयों और मानव कल्याण के लिए उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग किया था। उनके विचार और प्रवचन आज भी लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। एक परमात्मा जिनका नाम सत्य है, कृति करने वाला पुरुष, निर्भय द्वेष रहित अकाल मूर्ति, सनातन छवि, अजन्मा स्वयंभू, गुरु कृपा से प्राप्त।